मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों ये ऑप्टिमाइज एक्स डुअल बैटरी की फ्रंट वाली व्हील है, इसका एक बेयरिंग खराब हो गया है। आप देख सकते हैं, एक ये साइकिल बनाने वाला आदमी है, ये मैकेनिक जो है ये साइकिल बनाता है। तो जो है ये आप देख रहे हैं, इसका एक बेयरिंग खराब हो गया, बड़ी आसानी से हर कोई इसे चेंज कर सकता है। तो साथियों ये इसके लिए चाहिए आपको एक राड और 150 से 200 ग्राम का हथौड़ी। आप देख सकते हैं ये बेयरिंग है, निकला हुआ है, बहुत ही आसानी के साथ कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क मतलब कोई इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है। साधारण बस इतनी करनी है कि बहुत बैरिंग को चारों तरफ से मार्क निकालना। आप देखिए जैसे चारों तरफ से इसको बैठा दिया गया है, और इसके कॉलर पर डायरेक्ट हथौड़ी से वार नहीं करेंगे। ध्यान रहे मित्रों, अगर आप करते हैं तो बीच में तो कभी भी ना करें, किनारे वाला जो आपको दिख रहा है इसमें आप हथौड़ी चला सकते हैं। तो इस तरीके से इसको फिट किया जा सकता है। उसके बाद ये सपोर्टिंग है जो अंदर राड लगता है, यानी व्हील को उस पर उसको रखने के परमानेंट के लिए। इसी जो ये आपको देख रहे हैं ना गोला वाला हिस्सा, इसी के अंदर से राड होके आता है, जिसको एक्सल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें। तो ये इसको बैलेंस करने के लिए दो रबड़ लगते हैं इसमें चारों तरफ, दोनों तरफ से आप रबड़ लगा दिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आप जो है ये रबड़ के माध्यम से इसको बैलेंस, यानी कि ये दाएँ बाएँ ना होने पाए और बैरिंग स्थायी रूप से रहे और जो है होल में कोई समस्या ना होने पाए। तो इसलिए इस रबड़ को आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया जा चुका है। जो आपका पाइप है, इसी पाइप के अंदर से वो जाएगा रॉड। तो साथियों आप देख सकते हैं रबड़ के माध्यम से लग चुका है ये बैरिंग। साथियों इसमें एक ही बैरिंग रबड़ था, दो बैरिंग इसमें लगे थे, एक बैरिंग ख़राब हो गया था, अब ये दूसरा बैरिंग ठीक है। इसमें बस इसको ग्रीसिंग करने की ज़रूरत है, और सर्विस में भी यही होता है कि बैरिंग हर बार नहीं बदली जाती जब तक बैरिंग में प्ले ना आ जाए, प्ले यानी चाल। तो इस बैरिंग में ग्रीसिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, ये इसी कंपनी का है, यानी कंपनी का वायरिंग है ये। बस आप इसको मतलब ये एक आदमी आम आदमी कर सकता है अपने घर पर भी। उसके पास एक 32-35 इंच का एक रॉड होना चाहिए लोहे का, 150 से 200 ग्राम का, उसके बाद हथौड़ा होना चाहिए। आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जितना करना आप उसको उतना ध्यान में रखना है। तो आप देख सकते हैं, ताकि पुनः आप फिट कर सके। आप देख सकते हैं बैरिंग ग्रीसिंग हो चुकी है, बैरिंग को इस तरह से बैठाना है। इसको बैठाने के बाद ध्यान रहे मित्रों, हथौड़े को डायरेक्ट इस पर नहीं मारना है। हथौड़े को डायरेक्ट इसमें मारेंगे तो जो है आपका ये इसमें प्ले आ जाता है, तो वो ख़राब हो जाता है। आप मान चलिए देखिए, जो बैरिंग का टूटा वाला कॉलर था, बाहरी वाला हिस्सा, बाहरी वाला हिस्सा, उसी से उसके ऊपर से रख के मिला के सेंटर में आराम से इसको चारों तरफ से ठोक देंगे। धीरे धीरे मारना है, चूँकि एल्यूमिनियम का अलॉय व्हील है, स्टील का नहीं। तो इसमें जो है ज़्यादा झटका लगने पर क्रैक भी हो सकता है और स्पेस भी हो सकता है, जिससे बैरिंग आपका फ्री हो जाएगा, तो समस्या होगी आपको चलने में। अब देख सकते हैं आसानी से साथ बैठा दिया गया है इसको, पूरी गहराई तक, यानी जहाँ तक ये जाए आराम से पूरी गहराई तक आपको बैठाना है। आप देख सकते हैं एकदम बैठा दिया गया है इसको। तो साथियों आप भी कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। मित्रों आप देख सकते हैं ये ऊपर से ये इसकी सीलिंग बैरिंग को डस्ट से बचाने के लिए इसको सील किया जाता है, ताकि पानी मिट्टी ना जाए इसमें। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से एकदम ओके हो गया है, अभी लगाने तो तैयार है। आप देख सकते हैं बस इसकी थोड़ी बहुत जो डस्ट इसमें इकट्ठा हुआ उसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे था उसको आपको उसी तरीके से लगाना है। ये ब्रेक शू पे थोड़ा सा कपड़ा मार लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मारेंगे तो कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं, विश्वास कीजिए एक साइकिल मिस्त्री है, और अगर आप थोड़े से भी मैकेनिक हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं। इसमें ज़रा भी रिस्क नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग रिस्क से डरते हैं, और डरना भी चाहिए वैसे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। आप देख सकते हैं ये छोटा सा लोहे का वो है पाइप सा, इसमें अभी जो ये राड देख रहे हैं आप लंबा वाला, ये अंदर जो बैठा हुआ उसी के बीच से जाएगा ये बैलेंस बनाते हुए। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से सब कुछ, ये देखिए हो गया, ये लग चुका। आप देख सकते हैं एक्सल राड जो है पूरा कंप्लीट हो गया।
इसको नट से कस देना है, आपको ब्रेक वगैरह कुछ भी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ओके है। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा और आपके काम का है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए। मित्रों आप देख सकते हैं लगभग टाइट हो चुका है और ये चलने के लायक अब हो गया पूरा। अच्छा आपको पता कैसे चलेगा कि इसका बैरिंग ख़राब हो गया है कि नहीं, आप पहिए को अप डाउन यानी फुल स्टैंड पर खड़ा करें उसको, और उसके बाद पहिए को पकड़े आप किसी भी से कहीं से भी पकड़ें, और हल्का सा अप डाउन यानी आगे पीछे करना है, आप देखेंगे कि उसमें प्ले रहेगा। अगर प्ले है तो ख़राब है, नहीं है तो वायरिंग आपका ओके है। जाम है तो आप उसको सफाई करके ग्रीसिंग कर सकते हैं, बस इतना ही करना है। आप देख सकते हैं पूरा एकदम ये फ्री हो गया। देख मैंने चेक करा कि इसमें कहीं प्ले तो नहीं रह गया हैंडल में या व्हील में, लेकिन नहीं है, ये ओके है। 6 महीने का बाइक है ये, बहुत ज़्यादा झटका एक बार लग गया था उसी की वजह से ऐसी समस्या आई, अन्यथा ऐसी समस्या